Union Minister Amit Shah, who is going to unveil the Sankalp Patra in Ranchi ahead of the Jharkhand Assembly elections, highlighting the key commitments for the Jharkhand polls. Union Home Minister Amit Shah will also address the election meetings in Ghatshila in Jharkhand. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma had earlier stated that Sankalp Patra will have 150 resolutions. All right, to share more details is my colleague Sanje Sharma. Sanjay, very good morning to you. Now the Sankalp Patra is going to be soon released. Amit Shah, Union Home Minister, is going to release the BJP manifesto for the Jharkhand Assembly elections. What are going to be likely the kind of resolutions which are going to be the critical takeaways of the BJP's manifesto for Jharkhand? अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। इस मैनिफेस्टो की सबसे जो बड़ी बात होगी वो होगी कहीं ना कहीं आदिवासियों के सम्मान से जुड़ी हुई। जिस तरीके से लगातार झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती जा रही, रोहिंग्या को वहां पर बसाया जा रहा है, तो उसके कारण वहां पर ट्राइबल आदिवासियों का रहना मुश्किल हो गया है। आदिवासियों में कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा हो चुका है, वहां पर धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन चुका है वहां पर। तो वहां पर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 150 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है। इसमें यूसीसी लागू करने का बीजेपी वादा कर सकती है और साथ ही साथ अवैध घुसपैठियों को हटाने के लिए, अवैध घुसपैठी जो बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हुए हैं उनको किस तरीके से वहां से बेदखल किया जाए, इस पर एक बड़ी बात अपने मैनिफेस्टो में कह सकती है। साथ ही साथ ट्राइबलों को, आदिवासी को लुभाने के लिए आदिवासी महिलाओं को कुछ भत्ता, गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। जिस तरह से महिला मध्य प्रदेश में हमने देखा लाडली बहना योजना चालू की थी, बाद में महाराष्ट्र में इस योजना का लाभ देना शुरू किया, तो इस तरह की घोषणा का ऐलान बीजेपी झारखंड में भी कर सकती है, झारखंड के मैनिफेस्टो में। लेकिन वहां पर सारा फोकस बीजेपी का होगा आदिवासी वोट पर, क्योंकि लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं झारखंड नए राज्य के निर्माण के, और इस राज्य के क्रिएशन का जो एक आप कह सकते हैं एडवांटेज जो बीजेपी लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने अपने रूलिंग में झारखंड को नया राज्य बनाया था। और साथ ही साथ बिरसा मुंडा जो वहाँ के सबसे बड़े आदिवासी नेता रहे झारखंड के, उनकी 150वीं उनकी जयंती भी है, तो इस मौके पर मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी वोटों को ध्यान में रखा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.